के करीब हमारे डेली वेजर्स हैं उनको परमिट नहीं किया जा रहा है। कहते खुशहाल जम्मू कश्मीर, क्या खुशहाल जम्मू कश्मीर? कहीं पानी का बूंद की काम हो रहा है यहाँ पे? क्या जल जीवन का काम, हर घर नल, हर घर पानी, हर घर पानी देंगे, मगर क्या कहीं दो साल से कोई पाइप एक भी देखी आपने? भाई जोर से बोलो ना। अच्छा, इस गवर्नमेंट को शेम करना चाहिए। क्या कुछ अलग अच्छा आप लगे? क्या कुछ अलग वजह पाइप दो अकल देखिए इस गवर्नमेंट की, नालायक सरकार की। यहाँ 5 AEE पोस्टें खाली हैं। कल 65 ऑर्डर हो गए AEEE की, जो यहाँ पे उनको भी उठा के ले गए। काम कौन करेगा? उनका बाप करेगा काम यहाँ। कहाँ है DC, कहाँ है DUCOM, कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन? यहाँ दफ्तर खाली करके रखे, स्कूल खाली करके। हमने उस वक्त हायर सेकेंडरी स्कूल दिए थे, आज आपके हायर सेकेंडरी स्कूल कहाँ पे है? है कोई स्टाफ उनमें? कॉलेज में स्टाफ है, हाई स्कूल में स्टाफ है, मिडिल स्कूल में स्टाफ है? कहीं नहीं, ना स्कूल में स्टाफ है, जिससे आपका मनोबल बढ़ जाता, आपके तालीमी मामला बढ़ जाते, आपका बच्चों को मुस्तकबिल रोशन हो जाता। आप अंधेरा ही अंधेरा हर जगह दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता? क्या कहेंगे, कौन सी चीज यहाँ? मुझे अभी कह रहे थे जी मैं वहां से बोलू, मैं कह रहा बोलोगे क्या? क्या बोलोगे आप? कौन सी तकरीर करोगे आप यहाँ पे? जिस इलाके में, जिस रियासत में सिर्फ झूठे दावे हों, कागजी घोड़े दौड़ाते हों, वहां मनरेगा खत्म, वहां कैपेस बजट खत्म, वहां आपका डेवलपमेंट खत्म, वहां कारोबार खत्म, वहां नौकरियां खत्म, वहां बिजनेस खत्म, सब दर बदर परेशान हाल है। है परेशान हाल है? कोई डेवलपमेंट का काम? हाथ उठा के बताए, है कोई डेवलपमेंट का काम? तो शेम करो जोर से। ये चीजें हैं, आप कौन कौन सा गाना हम गाए, कौन कौन सी बात रोजाना पर। ये जी ब्लाक दिवस मनाया जाता है, जाके फोटो उठाया और चले गए। बलाओ एक ब्लाक दिवस में कोई काम हुआ, उसका एक्शन कोई हुआ? जोर से बोलो, हुआ कोई एक्शन? फिर क्यों बुलाना है लोगों को? धर्मधर आज प्रोजेक्ट में 500 रुपया रेट होना चाहिए था, ओवर टाइम का 1000 रुपया रेट होना चाहिए था, वो डबल होता है। आज मिली भगत इस सरकार की है, आज मिली भगत इस एडमिनिस्ट्रेशन की है, वहां 300-400 रुपया, 300-250, 350 रुपया लोगों को दिया जाता है। शर्म की बात नहीं तो क्या? बच्चे आज प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस उनको मारने को पड़ती है, आपको यूएलए लगा दिया जाएगा। शर्म है, कहां गई वो डेमोक्रेसी? कहां गया वो यहां का अमन? कहां गया वो प्यार? कहां गई वो मोहब्बत? कहां गया वो भाईचारा? ये आप लोगों की देन है, आपने तबाह बर्बाद कर दिया इस मुल्क को। आज हमारा मनोबल कहां पहुंचा है? और इसके साथ साथ जो आज ये अखबार नेशनल हेडर की बात जो है, इसमें जो आज सोनिया जी को बुलाया गया है, परसों भी बुलाया, आज भी बुलाया, जब राहुल जी को बुलाया, दो बार उनको बुलाया, आज उनको नहीं बुलाना चाहे, एज की तरफ से देखना चाहे, और एक ही परिवार को दो दो लोगों को बुलाया जाता, ये शर्म की बात है, ये अफसोस की बात है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, आप लोग मजम्मत करते हो इसकी? और उसके साथ साथ आज पूरे मुल्क में प्रदर्शन हो रहा है सोनिया जी के हक में। एक एक कार्यकर्ता जो है कांग्रेस का, न सिर्फ वो बल्कि आम आवाम में एक चर्चा है कि सोनिया जी ने इस मुल्क की अखंडता एकता के लिए, इस खानदान ने जो कुर्बानी दी है, वो हमेशा के लिए रोजी रोशन की तरह आया रहेगी। और उसी खानदान को आप मनोबल नीचे करने के लिए ये बातें कर रहे हैं, जिसने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ठुकराया, जिसने प्राइम मिनिस्टर के लिए कुर्सी खाली थी अपना उस ओहदे पे नहीं गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बिठाया, आज उसके खिलाफ आप अगर उस वक्त ये करते। मैंने कल एक बयान सुना, कहा कि अगर हमने ऐसे हालात किए होते, ये सारे लोग आज अंदर होते, बाहर इनमें कोई नहीं होता। क्यों होता कोई? और इसकी लिहाजा इसी के लिए आज हम पूरे मुल्क में आज सोनिया जी की सपोर्ट में आज एक हकीकत को सामने लाने के लिए, जो इस अखबार में बिल्कुल सही कुछ नहीं, दुरुस्त कुछ नहीं है, सारे गलत इल्जामात हैं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो बिहार में है, चाहे वो यूपी में है, चाहे वो मध्य प्रदेश में है, चाहे वो दिल्ली में है, वो एज इट इज है,
वो किसी के नाम ट्रांसफर नहीं हुआ है। अखबार अगर इस पार्टी के नाम पे था मगर उसका नाम पता नहीं, जो कमेटी बनी हुई थी वो सारा वो ट्रस्ट चला रहा है, उसका इतना एक इंच भी न इस खानदान के साथ कोई वाबस्तगी है। वो मेंबर हो सकते हैं, वो सरबरा हो सकते हैं, मगर कोई लेन देन इसमें नहीं, कोई फ्रॉड इसमें नहीं। और क्या मामूली चीज को देखे आसमान पे कुछ नहीं निकला। भाई आपने तो मुल्क को बेच दिया, आपने रेलवे को बेचा, आपने हेलीपैड्स को बेचा, आपने एयरशिप को बेचा, आपने जहाज बेच दिए, आपने इंडस्ट्री बेच दी, आपने बैंक बेच दिए। उनका हिसाब किताब भी है कोई? जब वक्त आएगा हिसाब किताब लगेगा। तो कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, इसके साथ अपने मुल्क के हर एक बच्चा जो है नौजवान अब जाग चुका है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे रियासत में भी और रियासत से बाहर भी कांग्रेस को मजबूत करेंगे और कांग्रेस का झंडा मजबूत करेंगे और सोनिया गांधी की पूरी सपोर्ट करेंगे। इसके लिए आप तैयार हैं मेरे साथ? सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, सोनिया गांधी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, पीढ़ी से हम डरते नहीं। पूरे हिंदुस्तान में ये सोनिया गांधी जी के हाथ में हम किसी इंक्वायरी या किसी से नहीं डरते, ये सिर्फ हम अपनी सिंपैथी, अपना प्यार, अपनी हमदर्दी सोनिया गांधी के लिए दिखा रहे हैं। और जो पीसीसी, जो एआईसीसी से तीन जो स्लोगन आए हुए हैं, इसके अलावा हम कोई स्लोगन नहीं लगाएंगे। एक सोनिया गांधी जिंदाबाद, दूसरा ये मोदी हमसे डरता है ईडी को आगे करता है, और तीसरा जो स्लोगन होगा वो ये होगा तुम जितने भी ईडी के प्रेशर करो फिर भी हम ईडी से डरते नहीं। और तीसरा चौथा हमारा ये रहेगा कि डेमोक्रेसी को बचाना है और कांग्रेस को लाना है। दे दो ना। सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मोदी हमसे डरता है ईडी को आगे करता है, मोदी हमसे डरता है ईडी को आगे करता है, डेमोक्रेसी को बचाना है कांग्रेस को लाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है कांग्रेस को लाना है।